हेलो दोस्तों, टेक दिस दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। इससे पहले का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है दोस्तों? यह वो वेट नहीं है केजी वाला। यहाँ पे हम जो वजन वेट निकालते हैं वो किसी न किसी फोर्स की वजह से, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी की वजह से जो भार हमको महसूस होता है वो किसके वजह से होता है? जो ग्रेविटी अंदर की ओर खींचती है उसके वजह से होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, 9.8 होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है चेन्नई बोर्ड में पूछा गया है 2001 और 2002 में। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है। अब ये कैसे होगा? जैसे हम जानते हैं वेट बराबर क्या होता है, एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स जो है। यहाँ पे एम जो है एम बराबर 1 है और जी बराबर क्या है, 9.8। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर निकालेंगे इस फॉर्मूला में, अगर ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, मास है 1 और इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है किसके? 1 जूल बराबर होता है, ऑप्शन इसका सी सही है, 10^7 अर्घ के बराबर होता है। और ये जो है आरआरबी रांची बोर्ड में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी रांची बोर्ड में पूछा गया है 2003 में। अब ये क्यों होगा? कार्य एक अदिश राशि है जिसमें, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एम के एस पद्धति के अनुसार जो है इसका मात्रक जूल होता है एम के एस पद्धति में। ठीक, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है अर्घ होता है सीजीएस पद्धति में। जब हम 1 जूल को अर्घ में बदलते हैं तो क्या होता है? तो 1 जूल बराबर हो जाता है, 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ, 7 अर्घ। वही हम जब अर्घ को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अर्घ बराबर हो जाएगा 10^-7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ये जो है चेन्नई बोर्ड में पूछा गया है 2001 और 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि वो रेस्ट में रहना पसंद करता है। जैसे हम उसके ऊपर बढ़ते हैं तो वो रेस्ट में, स्थितिज में चला जाता है, रेस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर का, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टॉर्क। अब ये टॉर्क क्यों होगा वो भी हम बताते हैं। ये जो है
आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2002 के एग्जाम में, और इलाहाबाद बोर्ड में पूछा गया, गोरखपुर में पूछा गया है ये, और इलाहाबाद स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2007 में। इसका जो है जैसा आप जानते हैं, टॉर्क जब हम निकालते हैं तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, जहाँ पे आई क्या है, आई जड़त्व आघूर्ण है, आई जो है जड़त्व आघूर्ण है, और ए जो है कोणीय त्वरण है, एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण है। तो ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है टॉर्क होता है, यहाँ पे ये टॉर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर का, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, एक गोल आंतरिक कोना क्या कहा जाता है, ऑप्शन है राउंड, फिलेट, कोना, अर्धवृत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये गोल कह रहा है तो गोल का मतलब उल्टा उल्टा इसका आंसर निकालेंगे, जब कहीं पे समझ नहीं आता है तो वहाँ पे हम उल्टा क्रॉस करेंगे। यहाँ पे गोल आंतरिक बोल रहा है तो राउंड, राउंड मतलब पूरा गोल हो जाता है, गोल का आंतरिक कोना एक हिस्सा के बारे में बात कर रहा है, तो गोल है तो उसका कोना तो होगा नहीं, कोना कोई भी होता है एंगल टाइप का होता है वो होगा नहीं, और ये जो है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हो गया तो वो कोना से तो मतलब नहीं है, तो ये फ्लैट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर का, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं, क्या कारण है वो लगाने का। ये जो है पहला ऑप्शन है शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, फिश प्लेट को ठीक तरह से बैठाने के लिए, पटरियों को समानांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। ये जो है रांची बोर्ड में स्टेशन मास्टर के एग्जाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं जिसमें गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है, ऑप्शन है दोनों पटरियों को जोड़े रखना, रेलगाड़ी के दो डिब्बों को जोड़ना, डब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दोनों पटरियों को जोड़े रखना, ये जो है फिश प्लेट का काम है। ये जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बेंगलोर में पूछा गया था 2003 में, और कोलकाता स्टेशन मास्टर और टीए एग्जाम के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति है, मतलब क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है क्लच, गियरबॉक्स, विभेदक, फ्लाई व्हील। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला क्लच। ये जो है 2003 में बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है और 2004 में गोरखपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 का, दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है, डंडों की कुल लंबाई कितनी होगी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.1 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 और ये 3.55 10 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, ये
10.334, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे उसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है चंडीगढ़ बोर्ड में एएसएम एग्ज़ाम के लिए असिस्टेंट सॉरी स्टेशन मास्टर के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 का, एक डिग्री द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे से एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड से, तो धागा के तनाव का मान क्या होगा? ऑप्शन है 2 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ये जो है पत्थर और पत्थर की क्षैतिज वृत्तीय गति अभिकेंद्रीय बल के कारण जो डोरी का तनाव जो डोरी में तनाव के द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये क्षैतिज वेग हम निकालेंगे। क्षैतिज वेग यानी भी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आर हमको दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ये मास दिया हुआ है, और हमें आर कितना दिया हुआ है 1। ये जो है 1 मीटर आर हमें दिया हुआ है 1 मीटर, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है डब्लू क्या है, ओमेगा क्या है, समान कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 रेडियन। तो इसको 2 रेडियन पर सेकंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेडियन पर सेकंड बराबर हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 डोरी का तनाव क्या हो जाएगा, डोरी का तनाव टी बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर। यहाँ पे इसको हम अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये पूरा पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 4 न्यूटन हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया, वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वी बराबर 2 मीटर पर सेकंड आ गया, आपको कन्फ्यूजन आया रहेगा, तो वी बराबर 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे मास कितना है 1 किलोग्राम है, इसको हम 2 मीटर पर सेकंड ये से हम मल्टीप्लाई कर दिए, और ये आर का वैल्यू कितना है, आर जो है आर 1 है, तो इसीलिए 4 न्यूटन इसका आंसर होगा 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर का, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और समय जो है टी दिया हुआ है कितना,
8 सेकेंड दिया हुआ है, 8 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, और जी हमें मालूम है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, एच बराबर वाट। ठीक, तो अभी हम जानते हैं एच बराबर फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर इसका वैल्यू रखेंगे यू का, तो यू हमारा जीरो हो जाएगा, 0 × 8 = 0, हाफ जी का 9.8 × टी का स्क्वायर, 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 8। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो है ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, यहाँ से ये कट गया 4, तो ये हो गया 9.8 × 8 × 32, 32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 16 = 6, बाकी 1, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 313.6। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 313.6 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा 3.6 मीटर, ये डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 का, निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है, निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है बिजली, हवा, गति, ऊष्मा, नोट, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गति। ये जो है कोलकाता बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक, अब ये नोट क्यों, नोट का उपयोग जो है जलयानों की गति के मापने में होता है, नोट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 का, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, सॉल्व करना होगा। देख लीजिए, हम मान लेते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है के जो है, ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, और एम जो है द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है, और प्रारंभिक संवेग पी मान लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर बटा 2m, ये तो आप फॉर्मूला से जानते होंगे, पी स्क्वायर बटा 2m, ये प्रारंभिक ये काइनेटिक एनर्जी होता है प्रारंभिक संवेग, तो आपने देख लिया प्रारंभिक संवेग ये है, तो अब ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब संवेग में अगर 20% की बढ़ोतरी की जाती है, संवेग में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो नया संवेग क्या हो जाएगा, पी डैश बराबर हो जाएगा, संवेग में कितना परसेंट की वृद्धि की जाएगी, 20% की पी। ठीक, 20% यानी संवेग में वृद्धि किया गया 20% का, परसेंट 20% यानी 20/100 हो गया, 20% 20/100 हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा पी प्लस पी अपॉन 5। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर में ये क्या हो जाएगा, 5p प्लस ये p है, 5p + 1p, तो ये 6p हो जाएगा। ठीक, ये हमारा संवेग निकल गया। अभी क्या है, नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया,
तो न्यू काइनेटिक एनर्जी नई गतिज ऊर्जा क्या होगा, के डैश, के डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी पी डैश का स्क्वायर बटा 2m। तो यहाँ पे पी पी डैश का वैल्यू हमने निकाला है, यानी पी डैश बराबर क्या निकाला है हमने, 6p/5, ये पी डैश का वैल्यू हमने निकाला। तो यहाँ पे उसको हम ये पी डैश में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी डैश का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6p/5 का स्क्वायर बटा 2m, करेक्ट है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 36p² / ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी ये जो है 25 हुआ, 25 दूनी ये, अगर ब्रैकेट को हम अगर ब्रैकेट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया। 25 को अगर ये हर है, हर कभी भी उसके नीचे के अंश से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 × 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद जो है अभी हम एक स्टेप और इसका ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 36p² / 50m, ठीक, यहाँ पे भी m आएगा, ये हो गया। अभी अगर ये हमारा आ गया एक, अभी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या कह रहा है, तो ये हमें, ये हमारा नया गतिज ऊर्जा निकल गया, ठीक। अब इसमें वृद्धि है, इसका अगर हम वृद्धि निकालेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगा, 36p² / 50m माइनस जो हमने निकाला है पहले, कितना वृद्धि हुआ, 20% 20% वृद्धि हम निकाले ना यहाँ पे, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि निकालने के बाद हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या आया, तो जो आया उसमें से अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल कितना वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे देखिए p² / 2m ये हो गया। अभी इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे का आप अगर एलसीएम लेते हो और इसको सॉल्व करते हो, ये हो गया 50m, ठीक, 50m, ये हो गया 36p² - ये 25 × 50, ये 25 हो गया, 25p². तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11p² / ये कितना हो जाएगा, 50m, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 11p² / 25 × 2m, ठीक, 25/2m, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। अभी जो है इसमें गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, गतिज, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी 11/25, ये 2m हमने रखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इससे मैच कर रहा है, इसीलिए 11/25, और इसका जो है परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा p² / 2m × 100/p² / 2m, ठीक। तो ये हो जाएगा 11/25, और इसको आप अगर ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 हो गया, ये अगर आप इसको कट करते हैं
चार से, तो ये 44% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से 44% यही इसका सही आंसर है, पहला 44%। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 का, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ पे शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पे शून्य नहीं होगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य नहीं होगा, अंतराग्रहित अंतरिक्ष में शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किसी घर्षणहीन सतह पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है और स्वतंत्र गिरने पर, कहीं ऊपर से स्वतंत्र गिरता है तो वहाँ पर उसका जो है भार जीरो होता है और अंतरिक्ष में भार जीरो होता है। और ये जो है घर्षण, मतलब घर्षणहीन, मतलब जिस सतह पे, जैसे अगर आप फर्श पे शॉप का अगर घोल डाल देते हैं तो वहाँ पे फिसल जाते हैं, तो भार तो रहता ही है, तो इसीलिए भार कहाँ पे नहीं, शून्य नहीं होगा, तो यहाँ पे शून्य नहीं होगा, इसीलिए इसका ये ऑप्शन सही है। और ये जो है चंडीगढ़ में पूछा गया है ASM पोस्ट के लिए 2004 में, RRB NTPC में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 का, चंद्रमा की सतह से चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा? इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों द्रव्यमान और भार वही रहेगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही होगा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा। भार एक्चुअल में देखिए चंद्रमा पे जो है भार, वहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसके वजह से उसका भार होगा जितना भी होना होगा। पृथ्वी पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसका भार अलग होगा, तो इसलिए भार में परिवर्तित होगा लेकिन द्रव्यमान जो है मास उसका वही रहेगा, मास में कोई चेंजेज नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है इसका। और ये जो है चंडीगढ़ ASM पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और गोरखपुर में भी ASM पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर का क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा नेफोस्कोप। ये जो है कोलकाता जोन में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति, और एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और या हवा की शक्ति या गति मापते हैं एनीमोमीटर से, और रेन गेज से जो है वर्षा की मात्रा मापते हैं रेन गेज से, और नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 का, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, भूतल से ऊंचाई, विद्युत धारा की सामर्थ्य, सुनाई देने में अंतर, यानी सुनाई देने में अंतर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूतल से ऊंचाई के लिए हम अल्टीमीटर का यूज करते हैं, और ये जो है RRB भुवनेश्वर के लिए NTPC एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है,
और विद्युत धारा की सामर्थ्य जो है, विद्युत धारा मापी जाती है ये वोल्ट में, और सुनाई देने का अंतर जो है ये डेसिबल में हम मापते हैं, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 175 नंबर का, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कैसे जा रही हो? त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, यहाँ पे सी होगा, त्वरण के साथ नीचे और समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्ज़ाम में मुंबई जोन में, और 2004 में ही ये जो है चंडीगढ़ जोन में पूछा गया है इसी क्वेश्चन को। जब लिफ्ट त्वरित गति यानी एक्सीलरेशन के साथ जो है नीचे की ओर जा रही हो, तो लिफ्ट में स्थित किसी भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जाती है, तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान हमारे वास्तविक भार से कम हो जाता है, इसीलिए हमें अपना भार कम महसूस होता है जब लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। नॉर्मल केस में आप जान लीजिए, लिफ्ट से जब नीचे जाना है या फिर कोई कहीं से आप नीचे की ओर अगर जंप मारते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप नीचे आते हैं, तो नीचे आने में आपका शरीर लगता होगा बिल्कुल हल्का हो गया है। तो उसी तरह से ये आप रिलेट करके इसका आंसर याद रख सकते हैं। तो त्वरण के साथ जो है नीचे जाने पे वो जो है इसका वास्तविक क्या होगा, किसी लिफ्ट में व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें हम तक ज़रूर पहुंचाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।